छठ की तैयारी लगभग घाटों पर पूरी कर ली गई है। सबसे अहम बात है कि जो श्रद्धालु छठ घाट पर पहुंचेंगे, जो नियम है, जो श्रद्धा के अनुसार नियम का पालन करते हुए श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं कि लेट लेट कर माप माप कर सड़कों पर जाते हैं, सड़कों की दुर्व्यवस्था को देखकर, सड़कों की हालात को देख करके वहां पर उमेश झा के साथ में अजीत सिंह, अनिल केसरवानी, इन सब निरंजन जी, इन सब ने मिल करके पूरे सड़कों पर, खास करके राजीव गांधी चौक से लेकर के और कामत घर घाट तक पूरी तरीके से झाड़ू मारकर रात में ही उन्होंने क्लियर किया, सफाई की और मार्किंग भी किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इकट्ठा होकर सारे युवा वर्ग ही वहां पर देखने को मिले कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, सब अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, घाट की तैयारी, यहाँ की तैयारी जो भी, पर इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसे लेकर के पूरी तैयारी की है वहाँ पर उमेश झा के साथ मिल करके, अनिल केसरवानी भी साथ में थे, अजीत सिंह भी साथ में थे, निरंजन जी साथ में थे। लेकर चलते हैं उमेश झा ने हमारी टीम से बात की है क्या कहें। ये जो हमारे झाड़ू टीम है, हम लोग छठी मैया का, हमारे छठी मैया जो घाट पे जो दंडवत करते हुए आते हैं उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। उनको ये इतना रोड खराब है, म्युनिसिपल तो छोड़ दो, जो हमारे संस्था है, जो हमारे प्राइवेट संस्था है, वो लोग भी कुछ काम नहीं कर रहे। तो हम लोग ने आकर के देखा जो दंडवत करते हुए उनको बहुत तकलीफ होता है, तो इसलिए ना हमारे दिमाग में आया। और अनिल केसरवानी और अजीत ठाकुर जी हैं, हम लोगों को रंजन ठाकुर हैं, ये सबको दिमाग में आया कि चलो हम लोग थोड़ा छठी मैया का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और भक्त लोगों का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए किसी बिना भेदभाव के बिना हमें राजनीति नहीं करनी है, हम छठी मैया के लिए आए हैं और छठी मैया का काम कर रहे हैं। जय श्री राम। नगर पालिका को क्या कहेंगे जो ऐसे सड़कों पर यहाँ से जो पूजा करने के लिए जाएंगे, ऐसी सड़क है इसके ऊपर वह लेट के जो भी प्रथा है वो करते हैं, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये काम हमारा नहीं, ये काम है यहाँ के नगर सेवक का, ये काम है हमारे MLA भी यहाँ है, हमारे MP भी यहाँ है, और जो ये तकलीफ है ये उन लोगों का काम है देखना, क्यों नहीं करते ये सब हमको नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि हमारे छठ भक्तों को बहुत तकलीफ हो रहा है और हर साल हमें आश्वासन दिया जाता है काम जमीन पर कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम लोगों को विवश होकर के देखा नहीं गया तो हम लोगों ने झाड़ू उठाया।